आखिर विक्टर को ढूंढते हुए मारियानो और विनय उस चर्च तक आ ही गए जहां मारियानो हमेशा आता था, जहां जेनिफर के आने से उस दिन तबाही मच गई थी। उन्होंने देखा कि चर्च के बाहर विक्टर बैठा था, दुबला पतला और बीमार सा। मारियानो, तू इधर पे कैसा है तू? मेरा छोड़ मैन, तू बता तेरे को क्या हुआ? हक्का बॉडी का रिपेयर मांगता तेरा तो। अब मैं भी तेरे टाइप चढ़ जाता मारियानो, अपना अंदर का डीमन को जलाता, खुद को पनिश करता। मैं बुरा है, बहुत बुरा। विक्टर बहुत पछतावे में लग रहा था। मरेगा तू इडियट, ऐसा तो तेरा होल बॉडी गल जाएगा। चर्च का वाइब्स हार्मफुल होता हाफ डीमंस का वास्ते, मेरा बोले तो हैबिट है, समझा? मगर मारियानो की बातें वो सुन ही नहीं रहा था, वो विनय को देख रहा था। सब मेरा मिस्टेक, मैं जेनी को उधर लेके गया, फिर तेरे को स्टेप भी किया। वो लव करता था तेरे को, और तभीच वो डेविल से डील सेट किया। जेनी चला गया, मेरा मिस्टेक, तभी मैं पनिश करता खुद को। ग्रहण से कोई प्रॉब्लम होती है क्या तुम जैसे लोगों को? जेनिफर ने कैलेंडर पर खास ग्रहण की तारीखों को मार्क कर रखा था। मैच बताया था उसको कि एक्लिप्स के टाइम हाफ डिमंस और डेविल वीक हो जाता, वो तभी लिलियाना को कुछ करना सकता था, पर मेरे को किधर पता था वो खुद को बर्न कर लेगा। तो इसीलिए उस रात जेनिफर ने लिलियाना को मारना चाहा और इस कोशिश में खुद ही खत्म हो गई। वो ग्रहण की रात थी और लिलियाना कमजोर थी, वो एक कोशिश थी जो असफल हो गई। एक आइडिया है, ग्रहण के समय शैतानी शक्तियां हाफ डीमन हो चाहे शैतान की औला कमजोर होती है। विक्टर की हालत देखो, साफ दिख रहा है कि पवित्र जगहों जैसे चर्च वगैरह में जाना उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। बोले तो हम किसी ग्रहण के समय ही लिलियाना को पकड़कर किसी चर्च में बंद कर दे तो उसकी शक्तियों पर काबू भी पाया जा सकता है और साथ ही उसे खत्म भी किया जा सकता है। विनय की बात सुन मारियानो सदमे में आ गया। भेजा हिल गया क्या तेरा? जीसस, वो गर्ल खुद डेविल है, बोले तो डेविल का डॉटर, तू उसको चर्च में लेके कैसे आएगा? और गया ना तो तबाही आ जाएगा। तो है हमारे पास और कोई रास्ता उसे हराने का? गॉड नोस कि ये वर्क करेगा कि नहीं। तू फायर एंड आइस को एक हिच बकेट में डालना मांगता मैन। मारियानो विनय को चर्च के फादर के पास ले जाने लगा। चर्च लिलियाना या हाफ डीमन समुदाय की करतूतों से अनजान नहीं था और उन्हें राहत मिली कि विनय के पास उस मुसीबत से निपटने की कोई योजना थी। ये एक अच्छा आइडिया है, मुझे लगता है हमें इस पर काम करना चाहिए। आज से 1.5 महीने बाद एक शक्तिशाली सूर्य ग्रहण है, अगर तब तुम उस डेविल गर्ल को किसी चर्च में ट्रैप करने में कामयाब हो जाते हो विनय, तो बाकी काम चर्च संभालेगा। वो कंट्रोल में आ जाएगा? मुश्किल तो है, पर हाँ, मैं फादर गोम्स को, जो कि तुम्हारे ही शहर से हैं, सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तुम उनसे मिल लो, वो जरूर हेल्प करेंगे। विनय ने चैन की एक मील लंबी सांस ली। जेनिफर के फ्यूनरल के बाद लिलियाना गायब सी हो गई, इसलिए आज विनय दिया के साथ बाहर था। विनय ने दिया को अपनी प्लानिंग भी बताई कि वो लिलियाना पर कैसे काबू पाएगा। वो सुनकर दिया थोड़ी परेशान हो गई। क्या हुआ, तुम्हें आइडिया पसंद नहीं आया? नहीं, वो बात नहीं है विनय, पर तुम ये करोगे कैसे? लिलियाना तो दिख ही नहीं रही कब से। दिया की बातें सुन विनय सोच में पड़ गया। जानती हूँ विनय कि जेनिफर की मौत से तुम कितने दुखी हो, बस एक बार ये ग्रहण का खतरा टल जाए मैं सब समझा दूंगी तुम्हें। सॉरी, पर यही सही है। कुछ हफ्तों बाद विनय अपने ऑफिस में बैठा कुछ सोच रहा था। 1.5 महीने का समय भी बीतने को आया है, एक दिन बाद ग्रहण है और लिलियाना अब तक गायब है।
ये मौका निकल गया तो क्या करूंगा फिर? कहां गई लिलियाना? विनय बेटा। तभी दिया की माँ उससे मिलने आई, जो कि बड़ी अजीब बात थी, उनका थाने में आना। अरे माँ, आप यहाँ बैठिए, बैठिए ना। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? होना क्या है, ये लड़की दिया हर समय कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है। कल 8वीं बार मैंने खाली खाने के बर्तन घर के बाहर से उठाए। क्या? हाँ बेटा, ये कोई बात हुई? तुमको इस बारे में पता है क्या कुछ? ये लड़की तो कुछ भी करती रहती है, सोचा तुमसे बात करूं। और विनय समझ गया कि दिया उससे क्या छिपा रही थी। लिलियाना गायब नहीं हुई थी, बस उसने विनय का पीछा छोड़ दिया था। उसका गुस्सा एक हद तक शांत हो गया था, जो कि दिया की वजह से था। अब रोज रात को सबके सोने के बाद वो उससे मिलने आती और दिया उसे खाना खिलाती और वो खाकर वो शांति से चली जाती। उस दिन भी दिया ने लिलियाना को देखा और बाहर जाने को पलटी और वो सीधा विनय से टकरा गई। उस समय विनय के चेहरे पर जो भाव थे, उसे देख वो पूरी तरह डर गई। उसे महसूस हुआ कि यूं ही नहीं कई बदमाश विनय के नाम से थर थर कांपते थे। दिया ने जल्दी से लंच बॉक्स अपने पीछे छिपाया, पर विनय ने वो देख लिया था। तो ये बात है, तुम मुझे धोखा दे रही थी? कब से चल रहा है ये सब? मेरी बात सुनो विनय, मैं सब बताने ही वाली थी। और अगले ही पल विनय ने उसके हाथ से खाने का बॉक्स उठाकर फर्श पर पटक दिया। कब बताने वाली थी? मेरी मौत के बाद? विनय मेरी बात सुनो, हम गलत। मैं उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ और तुम जानती थी कि वो कहाँ है और मुझे बताया भी नहीं। वही मिली थी तरस खाने को। फाइन, मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं। ढूंढ निकालूंगा उस शैतान को और खत्म भी करूंगा। बोलकर विनय वहां से चला गया और दिया ठगी सी देखती रह गई। आज पहली बार विनय इतना गुस्सा हुआ था उस पर। विनय को पता नहीं था कि लिलियाना वहां आ चुकी थी और उसने अपनी आंखों से उसे दिया को डांटते फिर उसका खाना फेंकते देखा था। गुस्से से मानो लिलियाना के चेहरे पर मौत बरस रही थी। वो देखकर दिया दहल गई। वो जानती थी ये गुस्सा उसके लिए नहीं, विनय के लिए था। ये क्या गड़बड़ हो गई, मुझे विनय को सचेत करना होगा। दिया विनय को फोन कर रही थी, पर विनय अब किसी की नहीं सुनने वाला था। क्या करती हो दिया, सारे अनाथ बच्चे कम पड़ गए थे, वही मिली थी तरस खाने को। विनय अपने घर जा रहा था, आने वाले खतरे से अनजान, जो उस पर मंडरा रहा था। विनय गुस्से में घर पहुंचा और मोबाइल फेंका, जिस पर दिया के 12 मिस्ड कॉल थे। क्या हुआ सन, तेरा मूड का है खराब? विनय ने मारियानो को सब बताया। जीसस, ऐसा क्यों किया वो? अभी वो सोचने का टाइम नहीं है, मैं चेंज करके आता हूं, फिर हमें लिलियाना को ढूंढना होगा। कल ग्रहण है, हमें किसी भी हाल में उसे ढूंढना ही होगा। विनय और मारियानो अब लिलियाना के पीछे थे, इस बात से अनजान कि वो खुद उनके पीछे आ रही।